तो आज के दिन का शुरुआत हुआ है कुदारी चलाने से। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक कुदारी सब पे भारी, ओ सॉरी ये तो बिहारी के लिए डायलॉग था, एक बिहारी सब पे भारी। मेरा ये कहने का मतलब था कि एक कुदारी इज इक्वल टू 5 पुशअप्स। हाँ भाई, बहुत मुश्किल भरा काम है, समझे कि नहीं। आप एक बार कुदारी चला लिए इसका मतलब आप 5 बार पुशअप मार लिए, समझे। तो आजमान के चलिए कि आज हम 100-150 के आसपास में 200 मान लीजिए, और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी बोलना चाहिए, तो 200 मान लीजिए। तो आज हम 200 कुदारी चलाए हैं, इसका मतलब कि हम आज 1000 पुशअप मारे हैं, समझ रहे हैं भाई। मजाक थोड़ी कर रहे हैं भाई, मजाक नहीं है यार। दुनिया का सबसे जो थकान भरा जो काम होता है ना, सबसे हेक्टिक वर्क, वो है खेतीबाड़ी करना, समझे। और हम ठहरे किसान के फैमिली से, किसान के बेटे हैं भाई, तो इतना तो नॉलेज रहना चाहिए और इतना काम करना चाहिए, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक जिम होता है अलग टाइप का, और ये जो है ना, ये हो गया नेचुरल जिम, तो इसका मेहनत अलग है, समझे। तो देखिए, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आज के दिन का शुरुआत किससे हुआ है, कुदारी चलाने से। तो कुदारी किस लिए चला रहे थे, देखिए, दरअसल बात है कि गोभी का सीजन आ गया, समझे कि नहीं। अब वो समय आ गया है कि अब गोभी का खेती होगा, तो हम गोभी का क्यारी तैयार कर रहे थे। अभी तो गोभी का क्यारी तैयार हुआ नहीं है, तैयार होने में अभी कम से कम 2 दिन का समय हम लगाएंगे। वैसे तो तैयारी करने वाला 1 दिन में ही कर लेता है, पर हम 2 दिन का समय लगाएंगे। और आज तो ऐसे ही मतलब ताम के छोड़ दिए हैं, और कल उसमें गोवा पटाएंगे, गोवा वो गोबर का जो खाद होता है ना, गोवा पटा उटा के क्यारी रेडी करेंगे, और फिर उसमें गोभी लाएंगे खरीद के मार्केट से, हम चाहे पापा जी कोई भी आदमी जाकर ले आएंगे, और फिर गोभी रोपेंगे। क्योंकि गोभी अभी जान रहे, अभी गोभी का रेट कितना है, अभी मार्केट में भाई एक पीस जो है ना, किलो नहीं, एक पीस, इतना छोटा सा पीस रहेगा, ठीक है, इतना छोटा सा पीस रहेगा, और उसका दाम लेगा कितना, 40-50 रुपया, समझे। इतना महंगाई हो गया है भाई हरा सब्जी का, भाई बहुत मार्केटिंग है, बहुत महंगा बिक रहा है हरा सब्जी। आने वाला समय में तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और ज़्यादा महंगा। तो वही, जब बहुत दिन के बाद आज कुदारी चला है, समझे कि नहीं, तो एकदम पूरा थक गए थे, तो उसके बाद किए हैं क्या कि नहा वहा के सुगनी को नहाया है, हम नहाए हैं, उसके बाद नाश्ता उश्ता करके मस्त आराम से जो है ना सो गए हैं, और कुछ ज़्यादा देर तक सो गए हैं। उसके बाद सीधे 12 बजे के आसपास में हम सोए हैं, तो 3 बजे के आसपास में जगे हैं। उसके बाद फिर खाना उना खाए हैं, और खाना उना खा के सही 4-5 बज गया है, समझे। कुछ कंटेंट वगैरह पे भी काम किए हैं, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखे हैं, मतलब कि डायलॉग टाइप का। आज तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कल रिकॉर्ड करेंगे, तो कल रील्स के रूप में अपलोड करेंगे इंस्टा पे। और अभी फ़िलहाल आ गए थे, शाम का समय हो चुका है, तो अभी आ गए थे खेत खलिहान देखने। भाई उस दिन तो हम आए थे, तो हमको लगा था कि भाई बड़ा बेजोड़ फसल है, पर बहुतों का फसल बहुत ख़राब है, समझे कि नहीं। अभी तो धान का खेती है, तो बहुतों का तो धान, भाई धान लगे नहीं रहा, इसे लग रहा है जैसे खाली जंगले है उसमें, धान से ज़्यादा उसमें जंगल हो गया है। तो किसान को इस बार बहुत ही मतलब एवरेज रहने वाला है, किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान भी होगा, घाटा भी होगा, समझे। और बताइए भाई, खेती बाड़ी भी जो है ना, खेती ये भी इसमें भी अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेनिटी है कि होगा नहीं होगा, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हाँ आप मेहनत कीजिएगा तो उसका फल बढ़िया ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करने से भी भाई ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपके कंट्रोल में तो है नहीं, नेचर के कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है, ठीक है। ज़्यादा बारिश हो जाएगा उससे भी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा बारिश नहीं होगा, अगर बारिश बिल्कुल नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, उससे भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत रंग का बात है, बहुत फैक्टर सब डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के सक्सेस के लिए। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आपको कामयाबी मिल ही जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत सारा डिपेंड करता है, पर कोई नहीं, मेहनत करना चाहिए। हाँ, ये तो 100% श्योर है कि भाई जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। चलो, हाथ दुखा रहा है मेरा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, वो तो अलग बात है। अरे वाला गजब खतरनाक जानवर है भाई, अकेले घूम रहा है, समय आप लोगों को दिखाते हैं, रुकिए चुपचाप जाते हैं चुरा के, नहीं तो भाग जाएगा पक्का ही। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट, हमको देखते ही भागेगा, देख रहे हैं एकदम चौकन्ना हो गया एकदम। भागा, भाग रहा है।
भाग गया भाग गया, वहाँ पे जाके रुका है, आ रहा है। भागा 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 भागा, भाग गया भाग गया। भाग्य भाग्य भाग्य। ऐसे देखिए समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अब रात होने वाला है, आधा घंटा में रात हो जाएगा, तो अब चलना चाहिए घर के तरफ। वैसे देखिए जब से गांव में आया है तब से ज़्यादा कहीं निकले नहीं है घूमने, अपने गांव में भी ठीक से नहीं घूम पाए हैं। वैसे गांव में बहुत कुछ हो रहा है जो कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, समझे कि नहीं। एक सांप सांप एगो रखा हुआ है, गिलहरी को पकड़ा हुआ है भाई, बहुत ख़तरनाक सांप है, दिखेगा भी नहीं, जाएंगे तो भाग जाएगा। लेकिन अभी हम रुकते हैं यहीं पे, 5 मिनट तमाशा देखते हैं, और यहाँ से रिकॉर्ड भी करेंगे तो आएगा ही नहीं, कैमरा ही सही नहीं है। तो हम क्या बता रहे थे ना कि बहुत कुछ हो रहा है गांव में जो कि आप लोगों को दिखाने वाला है, दिखाना चाहिए हमको, जिसमें से कि अच्छा आज तो नहीं दिखा पाएंगे, कल दिखाते हैं, कल दिखाएँगे। आगे भाई हम क्या करें,